बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। शबाज शरीफ साहब तैयब अर्दगान के लिए लेकर गए हैं आमों का तोहफा, और आम भी ऐसे रसीले के क्या ही बताएं। अब वो आम तो ले गए हैं, लेकिन आमों का जिक्र कर कर के उन्होंने जीना हराम कर दिया है अगले लोगों का। आप एक टोकरी ले गए हैं, ठीक है, रख दिया, बात ख़त्म होगी नहीं। आधे आपके लिए हैं, आधे भाभी के लिए हैं, और उसके बाद जनाब हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ ऐसे पकड़ते हैं कि वो छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं छोड़ते। इन साहब को हमेशा से आदत है दूसरों का हाथ पकड़ने की। जब भी कहीं जाते हैं तो अगले बंदे का हाथ पकड़ लेते हैं, और वो बेशक जितना मर्जी छुड़ाने की कोशिश करे छोड़ते नहीं हैं। बेशक अगले को कहीं ख़ारिश भी हो तब भी नहीं छोड़ते। ये इनकी सबसे बुरी आदत है, ऐसी आदतों से दूर रहना चाहिए। शबाशी साहब कहीं भी जाएँ तो अगले बंदे के गले ही पड़ जाते हैं। वैसे इनको बार बार दौरा करने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा, सबको पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस टाइम बहुत बुरे चल रहे हैं। पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऐसे दौरों पर खर्च किया जाए या फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आए। लेकिन शबाज शरीफ साहब को तो आदत है, कभी इधर कभी उधर, कभी वो बात आती है ना, कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला, न जाने कहाँ किधर चला। वो बात शबाज शरीफ के लिए थी। इनको कोई पता नहीं है, जहाँ से कोई हल्का सा आवाज़ दे देना जनाब इधर आ जाए। शबाज शरीफ साथ अपने साथ पूरा टब्बर लेकर निकल पड़ते हैं और कहते हैं मैं फ्री की रोटी खाए बिना नहीं रह सकता। सारा मुल्क खाने के बाद भी इनके पेट की जो भूख है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, शायद आगे आने वाले वक्तों में भी ख़त्म ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।